यहां पर जो सदन में मैं देखता हूं, सदन के बाहर भी मैं देखता हूं कि कभी भी या तो नफरत की बात ज्यादा करते हैं। बार बार मैं देखता हूं हमारे रिस्पॉन्सिबल एमपीस, मिनिस्टर्स ऐसी बात करते हैं कि कहीं भी जाओ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे वही है आपके देश में, हिंदू मुस्लिम ही मिलता है, दूसरे सब्जेक्ट नहीं मिलते ये। और दूसरे तरफ कहीं क्रिश्चियन का चर्च है उसके तरफ आपकी। आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सदन में गुस्सा आया? आखिर क्यों पीठासीन के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे जाति और धर्म की बात कर देते हैं? आपको पूरी खबर बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। देखिए दर्शकों, एक वीडियो सामने आया है, उस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे, उस वीडियो को भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर हाथ में पेपर लेकर, कागज लेकर तमाम चीजों को बीजेपी पार्टी के सामने रख दिया। ये कह दिया कि बीजेपी पार्टी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और तमाम मुद्दों के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन जो जमीनी स्तर के मुद्दे होते हैं उनको कहीं ना कहीं भूल जाती है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे इस वीडियो में क्या बोलते हैं दर्शकों, पहले इस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे। पहले आप इस वीडियो को देखिए। यहां पर जो सदन में मैं देखता हूं, सदन के बाहर भी मैं देखता हूं कि कभी भी या तो नफरत की बात ज्यादा करते हैं। बार बार मैं देखता हूं हमारे रिस्पॉन्सिबल एमपीस, मिनिस्टर्स ऐसी बात करते हैं कि कहीं भी जाओ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे वही है आपके देश में, हिंदू मुस्लिम ही मिलता है, दूसरे सब्जेक्ट नहीं मिलते ये। और दूसरे तरफ कहीं क्रिश्चियन का चर्च है उसके तरफ आपकी निगाह, कहीं शेड्यूल कास्ट किसी मंदिर में गया तो उसको मारते हो, उसकी सुनवाई नहीं होती है। सुनिए, देखिए एक क्या है, आज हम शेड्यूल कास्ट को हिंदू समझते ना, नहीं समझते ना, समझते हैं तो उसको मंदिर में क्यों अलाउ नहीं है, समझते हो तो उसको पानी क्यों नहीं देते, समझते हैं तो उसको शिक्षक क्यों नहीं, समझते हो तो उसको बराबरी का स्थान क्यों नहीं देते हो, अरे उसके घर में जाके खाना खाके शो मचाते हो। हमने आज शेड्यूल कास्ट के मकान में खाना खाया, बहुत से मंत्री फोटो निकाल कर टीवी में ये बताते हैं कि शेड्यूल कास्ट के घर में आज खाना खाए, बड़ी बात है नहीं? ओ, 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 अरे धर्म एक है ना, ऑनरेबल जब धर्म एक है, ऑनरेबल एलओपी जब धर्म एक वन, वन है। मैं दुख के साथ कहता हूँ, मेरा दर्द दूसरे लोग समझ नहीं सकते जी। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जिसको दर्द होता है उस दर्द पे मुलायम खून लगाते हैं उसी को महसूस होता है। जो मुलायम नहीं लगाने वाले हैं या उसको देखने वाले नहीं, मालूम तो उसी को मालूम होता, जो झेलता है ये कठिनाई उसी को मालूम होता, दूसरों को नहीं। तो इसलिए एक तरफ वो हमारे साथ भी नफरत, फिर उसके बाद धर्म के नाम से, जाति के नाम से, भाषा के नाम से वहां भी नफरत, नफरत से भरा हुआ है। इसलिए नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। और सर, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेंबर राष्ट्रपति जी डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था उस वक्त कि सभी समुदाय के अधिकारों का सम्मान करना होगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, राजा हो या किसान, सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज नफरत
हर जगह फैल रहा है, उसको हमारे ही प्रतिनिधि लोग, मंत्री लोग उसको बढ़ावा दे रहे। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से पूछूं कि आप चुप क्यों बैठे हैं? आप हर एक को डराते हो लेकिन इनको क्यों नहीं डरा रहे? जो लोग नफरत का फैलाने की कोशिश करते हैं, अगर आपकी नजर उधर एक तरफ गिरी तो वो ऐसा बैठ जाएगा, नेक्स्ट मेरे को टिकट मिलने वाला नहीं है, समझ के वो बात बंद करेगा, बोलेगा नहीं। लेकिन आप चुपी साधने के वजह से और आप मोनी बाबा बनने के वजह से ये परिस्थिति घट रही। तो देखा आपने इस वीडियो को, इस वीडियो को देखने के बाद दर्शकों आपको पता लग गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे को गुस्सा आया, आखिर क्यों पीठासीन भी हंस पड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात दर्शकों ये है कि सही बात है ये कि जाति के नाम पर राजनीति करना, धर्म के नाम पर राजनीति करना, मतभेद करना, पक्षपात करना, ये लोकतंत्र और राजनीति में नहीं होना चाहिए। लेकिन लगातार देखा जाए तो हमारे भारत देश की राजनीति विशुद्ध दास्तान में फंसती चली जा रही है। आज विपक्ष की माइक को ऑफ कर दिया जाता है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो जाता है, तमाम चीजों को जो है बीजेपी पार्टी से सवाल पूछे जाते हैं तो उन सवालों से भाग जाती है। लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात सदन में सभी के सामने कही, सरेआम ये जिक्र कर दिया कि बीजेपी पार्टी आखिर काम कैसे करती है, बीजेपी पार्टी की आखिर स्ट्रेटेजी क्या है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर देश के प्रधानमंत्री नहीं बोले। देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम बीजेपी के नेता जो बैठे रहे उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये जो मेन मुद्दा है इसके, इससे भटकाने का काम ही तो किया जाता है। लेकिन दर्शकों आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे देश में कितने लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ये काम करते हैं, हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जो कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं की बात समझते हैं, और हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जो बीजेपी पार्टी की सच्चाई को समझते हैं। हकीकत यही है कि बीजेपी पार्टी अपनी चाणक्य नीति के लिए जानी जाती है। ये चाणक्य नीति कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को पीछे धकेलने का काम कर रही है। लगातार देखा जाए तो बीजेपी पार्टी मैनपुरी हार जाती है, खतौली हार जाती है, पंजाब आप हार जाते हैं, दिल्ली एमसीडी का चुनाव आप हार जाते हैं। इसके साथ देखा जाए तो तमाम जो चुनाव है आपकी 17 राज्यों में सरकार सिमट कर रह गई है। एक तरफ देखा जाए तो आप कितने राज्यों में थे, तो कहीं ना कहीं ग्राफ बीजेपी का भी डाउन हुआ है। देश के प्रधानमंत्री जो बेहतर काम करते हैं, और सच में देश के प्रधानमंत्री की तारीफ भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी पहचान बढ़ाई, ये अच्छी बात है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को ब्रांड बना देना, उस ब्रांड के नाम पर चुनाव लड़ना, ये कहीं ना कहीं गलत है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दर्शकों जो बात कही है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की इस हकीकत और सच्चाई को देश के प्रधानमंत्री को समझना चाहिए? क्या देश के प्रधानमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बात को सुनने के बाद जवाब देंगे? हालांकि जवाब दिया है, राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है देश के प्रधानमंत्री ने और तमाम सवालों का जवाब दिया है, लेकिन चीन के मुद्दे पर कोई बात नहीं की, लेकिन महंगाई गरीबी के मुद्दे पर कोई बात नहीं की, अडानी और मोदी के संबंध क्या, इस संबंधों को लेकर कोई चर्चा नहीं की। तो आप समझ सकते हैं कि पीछे एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी मुद्दों से भटकने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है, और मजबूत होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हट रही है, कांग्रेस पार्टी और भी ज्यादा मजबूत हो रही है। और यहां पर राहुल गांधी तमाम रैलियां कर रहे हैं, तमाम रैलियों के साथ साथ जनसंबोधन कर रहे हैं, तस्वीरों को लेकर सदन में पहुंच रहे हैं, और जो बीजेपी पार्टी की सच्चाई उसको खोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से डर बीजेपी को शायद लग रहा है। शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि आप बात तो करते हैं, कांग्रेस पार्टी वाले सवाल तो उठाते हैं, लेकिन चुनाव हार जाते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है ये आज तक पता नहीं चला है, लेकिन हम समझेंगे, हम जानेंगे, लेकिन आपसे जानने का प्रयास जरूर करेंगे कि आप, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मल्लिकार्जुन खड़गे की बात से आप कितना सहमत हैं, और देश के प्रधानमंत्री क्या इस मुद्दे को लेकर और मल्लिकार्जुन खड़गे की इस बात को सुनकर सामने आएंगे, क्या विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे? आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।